Bismillahirrahmanirrahim. The topic we will discuss in this lecture, today lecture, is a type of accelerator. And the type which is being discussed is Von D graph generator. This is the second lecture. This is the second lecture. In the first lecture, we have discussed the accelerator and their types. And also discussed one type of accelerator, that is linear accelerator. But here we will discuss second type, and that is Von D graph generator. What is Von D graph generator? Von D graph generator produces high voltage. How it produces high voltage? The high voltage is produced by source. अगर आप figure में देखें तो ये आपको source नजर आ रहा है. इस source की मदद से हम जो potential है वो produce करेंगे इस belt के जरिए. और फिर ये शेल जो टोम लाइक शेल है वहां पर चार्ज प्रोड्यूस होगा. तो ये जनरेटर असल में चार्ज जनरेट करता है, अकुमुलेट करता है शेल पर, हॉलो मेटेलिक स्फीयर पर. और ये जनरेटर जो है, ये वॉन डी ग्राफ जनरेटर एक्चुअली ये इन्वेंट किया गया था, अमेरिकन फिजिसिस्ट ने डेवलप किया था 1931 में. और उसके नाम की वजह से इसका वॉन डी ग्राफ जनरेटर नाम पड़ा, बिकॉज इट्स इन्वेंटर वाज रॉबर्ट जेमिसन वॉन डी ग्राफ. सो रॉबर्ट जेमिसन वॉन डी ग्राफ की वजह से वॉन डी ग्राफ जनरेटर कहते हैं. तो अगर आप फिगर में देखें, फिगर में ये इसकी कुछ ये पुली है जो मोटर के साथ अटैच है. जब मोटर मुसलसल रोटेट करेगी तो साथ साथ पुली भी रोटेट करती रहेगी. और ये पुली जो है इसको कनेक्ट किया गया है, एक ऊपर पुली है जो ये स्फेरिकल शेल के सेंटर में है. और दोनों पुलीज कनेक्ट है इस बेल्ट के जरिए. ये बेल्ट इधर से जा रहा है और इधर से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, यानी लेफ्ट साइड पे अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है और राइट साइड से पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है. और ये चार्ज ये सोर्स को हमने कनेक्ट किया हुआ है या इस वॉन डी ग्राफ जनरेटर में कनेक्ट किया जाता है ये कॉम के साथ. और ये मेटालिक ब्रश है इसके साथ. और मेटालिक ब्रश की आगे पिन जो है बहुत बारीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर फील्ड बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है. और हाई फील्ड की वजह से चार्ज यहाँ नहीं रुक सकता और फौरन बेल्ट पर ट्रांसफर हो जाता है. और बेल्ट फिर इसको बेल्ट के जरिए चार्ज जब यहाँ कॉम कलेक्टिंग ब्रश पर जाएगा तो वहां पर अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा और ये चार्ज अकुमुलेट कर जाएगा, ट्रांसफर कर जाएगा, मूव कर जाएगा स्फेरिकल शेल पर. ये वॉन डी ग्राफ जनरेटर अगर हम देखें तो ये वॉन डी ग्राफ जनरेटर ये जो हमें नजर आता है, इसके ओवरऑल जो वॉन डी ग्राफ जनरेटर है वो इस शेप का होता है. ये सारी मोटर और सोर्स सब कुछ सारा मैकेनिज्म जो है इस बॉक्स में होता है और चार्ज इस स्फेरिकल शेल के ऊपर अकुमुलेट होता है. वॉन डी ग्राफ जनरेटर को हम इससे पोटेंशियल जो है वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं. मसलन हम इससे वॉन डी ग्राफ जनरेटर की मदद से जो पोटेंशियल अचीव कर सकते हैं वो 5 मेगावोल्ट तक पोटेंशियल अचीव हो जाता है. और ये बहुत ज्यादा पोटेंशियल है. अगर हम इसी पोटेंशियल को डबल करें तो वो डबल भी किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमें एक छोटा साथ एक और जनरेटर साथ लगाना पड़ता है. और उस जनरेटर पर नेगेटिव चार्ज होगा. ये नेगेटिव चार्ज की वजह से जो स्फेरिकल शेल है वॉन डी ग्राफ जनरेटर का उसके ऊपर ज्यादा चार्ज अकुमुलेट हो जाएगा. और इस तरह हम इस जो अकेले वॉन डी ग्राफ जनरेटर पर जो चार्ज अकुमुलेट था उसको डबल कर सकते हैं. लेकिन इस तरह अगर हम दो शेल्स को इकट्ठा यूज करते हैं तो इसको हम टेंडम वॉन डी ग्राफ एक्सेलरेटर कहें. तो वॉन डी ग्राफ एक्सेलरेटर जो है टेंडम वॉन डी ग्राफ एक्सेलरेटर, ये वॉन डी ग्राफ जनरेटर की ही मॉडर्न शक्ल है. और इसमें वॉन डी ग्राफ जनरेटर से डबल वोल्टेज जो है वो जनरेट किया जा सकता है. अब वॉन डी ग्राफ जनरेटर किस प्रिंसिपल पर काम करता है? इसका प्रिंसिपल बहुत सादा है कि वॉन डी ग्राफ जनरेटर जो है ये डोम पर चार्ज अकुमुलेट करता है मूविंग बेल्ट के जरिए. जो चार्ज लेता है बॉटम पुली से चार्ज लेता है इलेक्ट्रोस्टैटिक
प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक को ओबे करते हुए बिलो जो कॉम्ब है बॉटम कॉम्ब वहां से चार्ज लेगा और उसे ट्रांसफर करेगा जो अपर कॉम्ब है और वहां से फिर चार्ज कम्युलेट होगा हॉलो मेटालिक स्ट्रक्चर पर। कंस्ट्रक्शन अगर हम देखें तो इसमें हॉलो मेटालिक स्फीयर यूज किए जाते हैं। एक हॉलो मेटालिक स्फीयर जो बड़ा सा डोम लाइक शेल है वो एक इस्तेमाल होता है जिस पर चार्ज अल्टीमेटली चार्ज अकुमुलेट होता है। अपर इलेक्ट्रोड है एक और फिर इसके बाद अपर रूलर है जो बेल्ट को मूव करा रहा है ऊपर अपर अपर रूलर। फिर साइड बेल्ट एक इस्तेमाल होगी जिसकी एक साइड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होगी लेकिन जब चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा तो दूसरी साइड से नेगेटिवली चार्ज होगी और पॉजिटिवली चार्ज होगी। एक लोअर रूलर है क्योंकि बेल्ट ने जब मूव करना है तो दो रूलर्स पर दो पुलीज पर मूव करना है तो एक अपर पुली एक लोअर पुली दोनों के जरिए बेल्ट जो है मूव करेगा। इस तरह एक लोअर इलेक्ट्रोड है जो इसे हम ग्राउंड करते हैं, एक अपर इलेक्ट्रोड जिसे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा जिससे चार्ज जो है वो अकुमुलेट होगा स्फेरिकल शेल पर और एक लोअर इलेक्ट्रोड जिसको ग्राउंड किया जाएगा। अगर वर्किंग की बात करें हम वॉन डी ग्राफ जनरेटर की तो इसकी वर्किंग बहुत सिंपल है। हम मोटर का स्विच ऑन करेंगे और साथ सोर्स भी ऑन कर देंगे तो जब मोटर और सोर्स दोनों ऑन होंगे मैं फिगर की मदद से आपको सारा ये बताता हूँ। ये हम मोटर को ऑन कर देंगे, ये बैटरी के साथ मोटर अटैच है और इधर जो सोर्स ये कॉम्ब जो मेटालिक ब्रश है ये भी पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है। यही हम पहले मोटर को ऑन करते हैं तो पुली ये रोटेट करना शुरू कर देगी, जब ये रोटेट करेगी तो अपर पुली भी रोटेट करेगी और इस तरह बेल्ट जो है वो मूव करना शुरू कर देता है। फिर हम मेटालिक ब्रश यानी कि कॉम्ब को कनेक्ट करते हैं बेल्ट के साथ और सोर्स को ऑन कर देते हैं। सोर्स के ये सोर्स जब ऑन होगा तो इसका पॉजिटिव टर्मिनल इसके साथ अटैच है तो चार्ज सोर्स से मूव करेगा इस मेटालिक ब्रश पर। अब मेटालिक ब्रश की जो आगे पिन है उनका सरफेस एरिया बहुत कम है तो आपको पता है जैसे जैसे सरफेस एरिया कम होता जाए और पोटेंशियल का वो आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है k q r square तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे चार्ज जैसे जैसे उसका एरिया जो है सरफेस एरिया कम होता जाएगा पिन का वैसे वैसे वहां पर पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। तो जब पोटेंशियल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो चार्ज जो है वो फौरन ट्रांसफर हो जाएगा पिन से बेल्ट पर। आप इसको अगर हम फील्ड की लिहाज से देखें तो फील्ड का भी ऐसे रिलेशन है कि जैसे फील्ड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया पिन का एरिया डिक्रीज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होता है और जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा तो बेल्ट जो है वो फौरन चार्ज जो है वो फौरन पिन से बेल्ट पर ट्रांसफर हो जाएगा और फिर बेल्ट चूंकि लेफ्ट साइड अपर डायरेक्शन में मूव कर रहा है इसलिए चार्ज ऊपर मूव करना शुरू कर देगा बेल्ट के साथ ही। और इसी तरह जब बेल्ट जो चार्ज है वो अपर मेटालिक ब्रश पर पहुंचेगा कलेक्टिंग मेटालिक ब्रश पर मेटल ब्रश पर तो चार्ज वहां पर पिन का सरफेस एरिया बहुत कम है लिहाजा वहां पर फील्ड ज्यादा होने की वजह से फौरन चार्ज जो ट्रांसफर हो जाएगा स्फेरिकल शेल हॉलो मेटालिक स्फीयर पर और इस तरह चार्ज अकुमुलेट हो जाएगा और ये उस वक्त तक अकुमुलेट होगा जब तक पिन का पोटेंशियल और स्फेरिकल शेल का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता और ये इक्वल इनको इक्वलाइज करना ये बहुत मुश्किल काम है। इस वजह से ये जो चार्ज अकुमुलेट होगा उस पर स्फेरिकल शेल पर वो बहुत ज्यादा हाई पोटेंशियल क्रिएट करेगा। अगर हम एप्लीकेशन देखें तो इतना हाई पोटेंशियल क्रिएट होता है जब स्फेरिकल शेल पर तो उसको कहाँ यूटिलाइज किया जा सकता है। आप लोग उससे चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कर सकते हो। कैसे एक्सेलरेट करेंगे? इसको एक्सेलरेट करने का सिंपल सा तरीका ये है कि चार्ज पार्टिकल चूंकि स्फेरिकल शेल जो है उस पर चार्ज बहुत ज्यादा है लिहाजा कोई भी चार्ज पार्टिकल बाहर से पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जैसे कि प्रोटोन या अल्फा पार्टिकल अगर इसके करीब आएंगे तो ये उनको बहुत स्ट्रॉन्गली रिपेल करेगा और पहले से मूव करता हुआ अल्फा पार्टिकल या प्रोटॉन जो है वो जब स्फेरिकल शेल के करीब आएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि उसको रिपेल करेगा और इस तरह वो एक्सेलरेट हो जाएगा। तो हम ये वॉन डी ग्राफ जनरेटर के स्फेरिकल शेल पर जो चार्ज अकुमुलेट है
उसकी मदद से हम इसको कर सकते हैं, चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि जो स्फेरिकल शेल पर चार्ज अक्यूमुलेट है उसी चार्ज का पार्टिकल जो है वो एक्सेलरेट होगा। अब एक्सेलरेटेड पार्टिकल को आप इस्तेमाल कर सकते हो कहीं भी, आप उसको न्यूक्लियर सर्च में, न्यूक्लियर रिएक्शन की कंप्लीशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, रिसर्च में इस्तेमाल कर किया जा सकता है, मेडिसिन में, कैंसर के ट्रीटमेंट में उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, एटम की ब्रेकिंग के लिए एटॉमिक फिजिक्स और फिर न्यूक्लियर फिजिक्स में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन जो है उसके ट्रिगरिंग के लिए हम एक्सेलरेटेड पार्टिकल को इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द वॉन डी ग्राफ जनरेटर। ये बहुत सिंपल सा लेक्चर था, स्टूडेंट इसको ध्यान से सुनिएगा और अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आए तो मुझसे जरूर डिस्कस कीजिएगा।